फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल गोलू की सावजी रसोई। आज हम ब्रेड से एक नाश्ता बनाने वाले हैं। ये बची हुई ब्रेड है। ब्रेड तो सब खा लेते हैं, लेकिन जो उसके कॉर्नर्स वाली ब्रेड रहती है वो कोई खाने के लिए नहीं देखता। तो इसी ब्रेड से आज हम नाश्ता बनाने वाले हैं। तो ये ब्रेड को मैं पानी में पहले भिगो देती हूँ और इसका पानी अच्छे से निचोड़ देती हूँ। ये देखो, ये ब्रेड भिगो दी है और इसका पानी मैं हाथ से पूरा अच्छे से निकाल लेती हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे ब्रेड का पानी मैंने निकाल लिया है पूरा। इसे अब मैं डाल देती हूँ मिक्सिंग बाउल में। वैसे ही बाकी की जो बची हुई ब्रेड है उसको भी मैं ऐसे ही निकाल के डाल देती हूँ। अभी इसे मैं हाथ से थोड़ा सा स्मैश कर देती हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाता है नाश्ता और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी भी बनता है। ये देखो, यहाँ पे मैंने ब्रेड को पूरा हाथ से स्मैश कर लिया है। अभी हम इसमें डालेंगे कुछ वेजिटेबल्स। तो इसमें मैंने डाल दिया एक बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा सा धनिया, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च और एक करी लीव्स मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे भी मैंने बारीक काट लिया था। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ एक चम्मच तिल, एक चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वादानुसार नमक, ये आधा नींबू का रस मैंने लिया हुआ है वो भी मैंने इसमें डाल दिया। इसके साथ ही अब मैं इसमें डालूंगी एक उबला हुआ आलू। ये आलू मैंने स्मैश करके रख दिया था, वो आलू भी मैंने इसमें डाल दिया है। अभी इसे मैं हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। पूरे इंग्रेडिएंट हाथ से मिक्स कर लेने हैं। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी भी बनता है ये, और बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा। ये देखो, ये मिक्स हो चुका है। अभी हमें इसे एक डो के फॉर्म में तैयार करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा पतला है। तो अभी हम इसमें मिलाएंगे ये गेहूं का आटा। तो यहाँ पे मैंने आधा बाउल गेहूं का आटा लिया हुआ था, वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे अभी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लावर या चावल के आटे के जगह पे गेहूं का आटा यूज़ किया हुआ है। इससे भी ये नाश्ता बहुत टेस्टी लगता है। अभी ये अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ हाथ से। इसे एक डो के फॉर्म में हमें बना देना है। ये देखो, यहाँ पे ये डो तैयार हो चुका है। अभी मैं हाथ साफ करके आती हूँ। यहाँ पे मैंने हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लिया है और थोड़ा सा डो ले लिया हाथ में और इसे हाथ से प्रेस करके इसका मैं एक आकार दे दूंगी। तो यहाँ पे मैं ये सिलेंडर के जैसे नगेट्स का आकार दे रही हूँ इसमें। ये देखो, ये ऐसे ही मैं बाकी के बना के रख देती हूँ। आपको जो भी आकार का पसंद हो आप इसे बना सकते हो। आप इसे वड़े का भी आकार दे सकते हो या फिर स्क्वायर में भी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने ये पूरे नगेट्स के जैसे बना के रख दिए हैं। ये देखो, ये दूसरा भी मेरा तैयार हो चुका है। ये देखो, यहाँ पे मेरे पूरे नगेट्स तैयार हो चुके हैं। अभी हमें इसे तलना है। तो उसके लिए मैंने गैस पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तब हम ये एक एक नगेट्स इसमें डाल देते हैं। जितने कढ़ाई में आएंगे उतने मैं इसमें डाल रही हूँ। अभी इसे हमें एकदम मीडियम आंच पे पकाना है, तभी ये अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे और ऊपर से क्रिस्पी भी बनेंगे। इसे अभी हम अच्छे से पकने देंगे। तो ये पूरे चारों तरफ से अच्छे से पकना चाहिए, इसलिए हम इसे चम्मच से अल्टी पल्टी करते हुए पकाएंगे। तो ये पूरी तरह से अच्छे से पक जाएंगे। ये देखो, यहाँ पे पूरे नगेट्स का कलर एकदम चेंज हो चुका है, बहुत ही मस्त दिख रहे हैं। ये पूरा नाश्ता अभी अच्छे से पक चुका है। तो ये पूरा मैं निकाल लेती हूँ और बाकी के बचे हुए जो नाश्ता है वो भी मैं ऐसे ही तल लूंगी। तो ये बन गया हमारा बचे हुए ब्रेड का टेस्टी नाश्ता,
जो कि सबको बहुत पसंद आएगा। बहुत ही मस्त दिख रहा है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। ये देखो, ये ऊपर से एकदम मस्त क्रिस्पी बना हुआ है और अंदर से भी एकदम सॉफ्ट बना हुआ है। ये ऐसे ही अच्छा लगता है, लेकिन आप इसे कोई किसी टोमेटो सॉस के साथ या किसी चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। ये देखिए अंदर से कितना मस्त दिख रहा है, पक चुका है पूरा। तो आप भी इस नाश्ते को एक बार जरूर ट्राई करना। थैंक यू।